सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ योर बॉय पीयूष वाजपेयी। तो अभी बहुत ही टाइम बाद हम लोग निकले हैं व्लॉगिंग के लिए। इस टाइम पे मैं इसलिए निकला क्योंकि आज अपने को कुछ सिनेमैटिक्स करना था और सिनेमैटिक्स के लिए थोड़ी सी लाइट धूप होनी ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है तो सिनेमैटिक्स ख़राब करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा शेडो आती है सिनेमैटिक्स उतनी बेकार बनती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप सिनेमैटिक वीडियो बनाएं तो थोड़ी सी लाइट डिम होनी चाहिए। तो चलते हैं अपन, और आज चलेंगे लखनऊ की प्रकाश कुल्फी खाने, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है लखनऊ में। आप भी आइएगा तो खाइएगा। तो दिखाएंगे आज फूड ब्लॉगिंग करते कुछ नए अंदाज में। तो चलिए चलते हैं और अपन आज करते हैं कुछ सिनेमैटिक्स। सो आज है दूसरा दिन हम लोगों का व्लॉगिंग का, क्योंकि कल हम लोग के साथ एक कांड हो गया। कांड ये हुआ कि शॉर्ट वीडियो में और सिनेमैटिक वीडियो में बहुत छोटी छोटी क्लिप्स लेनी पड़ती हैं, सेकंड्स की। तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप्स ली तो मेरे को ऐसा फील हुआ अपने से कि अभी आराम से 7-8 मिनट की तो वीडियो बन ही जाएगी एडिटिंग के बाद। मगर जब मैंने एडिटिंग स्टार्ट की तो वो वीडियो बनी 2.5 या 2.3 सेकंड्स की, मतलब मिनट्स की, 2.5 मिनट की वो वीडियो बनी। और फिर तो मेरा एकदम मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा अब, फिर मैंने सोचा कि आज से क्यों ना मैं व्लॉग कंटिन्यू करूं। और ये आप देख सकते हो, होलिका लगा दी गई है ऐसे चौराहे में। बहुत सारी होलिका हम लोग की तरफ लगा दी जाती हैं लखनऊ में, आपकी तरफ भी लगाई जाती होगी, मगर हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं ऐसे। मैंने बहुत जगह देखी नहीं है, मगर मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा होली का चौराहे में लगा दी जाती है, और होली के एक दिन पहले इसको बहुत अच्छे से सजाया जाता है। तो कल है हम लोग के यहाँ छोटी होली, हाँ, और परसों है बड़ी होली। तो हैप्पी होली इन एडवांस। और रिटर्न में मेरे को हैप्पी होली बोलने की या सेम टू यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होली वाले दिन है मेरा शिफ्ट। यही होता है यार, ऐसे पहले नौकरी के लिए पीछे भागना पड़ता है, नौकरी लग जाए, उसके बाद जब लगती है तो फिर फेस्टिवल वाले दिन अपने को काम पे जाना पड़ता है। और ये गुलाल उलाल की भी शॉप लग गई है, हाँ, तो हम लोग को काम पे जाना पड़ता है होली वाले दिन। यही होता है यार। ऐसे हम फेस्टिवल में खेलने कूदने वाले लोगों के साथ यही हो जाता है, जब जॉब लग जाती है ना तो फिर सारे अरमान रखे रह जाते हैं। आई थिंक पिछले साल की होली में हम थे मुंबई में, सन बन के फेस्टिवल में खेल कूद रहे थे, और लास्ट होली में थे पुणे में, जो सारे दोस्तों के साथ कॉलेज के थे, तब भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई।
और इस साल हम होंगे लखनऊ की सड़कों पे शिफ्ट पे जाते हुए होली वाले दिन। वाओ, मेरे को तो मतलब मैं बचपन में जब था ना तो पिचकारी लेके जो भी रोड पे जाता था तो उसको नहलाते हुए भेजता था। अब वही सेम चीज़ मेरे ऊपर होगी ना कर्मा, तो अभी वही सेम चीज़ मेरे साथ होने वाली है कि मैं जाऊँगा शिफ्ट पे और सब मेरे को पक्का नहलाएंगे। तो मैंने तो सोच लिया, मम्मा को बोल के रख दिया कि रेनकोट निकाल ले, क्योंकि उस दिन तो मैं नहीं बचने वाला हूँ, तो मतलब नहीं बचने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। और मेरे को कभी कभी लगता है जॉब के बारे में इतना मैं बोलता हूँ ना, मतलब थोड़ा सा निगेटिव चला जाता हूँ, तो मेरे को लग रहा है अगर ऑफिस में या शिफ्ट में या स्टोर में किसी ने भी मेरे ये वीडियो देख ली ना एक भी तो फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाड़ी में अभी बस बचे हैं 3 पॉइंट पेट्रोल के, और बहुत ही लंबी रूट में जाता हूँ मैं, तो पहले पेट्रोल भरवा लेता हूँ। भाई 309 को डाल देना। वैसे मैं ये जो 309 और ये ऐसे ऑड डिजिट उठाता हूँ ना, ये मेरे दोस्तों से मेरी आदत लगी है, क्योंकि वो भी ऑड डिजिट में पेट्रोल भराते थे और हम लोग उस समय कहते थे कि ऐसे जो मशीन में वो कुछ करके रखते हैं, मतलब ऐसे 100 का पेट्रोल भराओगे तो 100 का ऐसे कुछ मशीन में सेट करके रखते हैं वो, जिसमें कम पेट्रोल आता है। तो हम लोग उस समय कॉलेज में थे तो हमारे दोस्तों ने सिखाया था कि ऐसे ऑड नंबर बोलोगे तो ज़्यादा पेट्रोल भरता है। तो बचकांड हरकतें मेरी अभी भी चालू रहती है कभी कभी। अगर आपको कभी भी सिनेमैटिक वीडियो लेनी हो तो हमेशा हाई रेजोल्यूशन चूज़ करना अपने फ़ोन में, फ़ोन हमेशा दोनों हाथ से होल्ड करना, कभी भी एक हाथ से वो होल्ड ना करना, तभी स्टेबल वीडियो आएंगी। अगर कोई भी वीडियो आपको बनानी है बहुत ज़्यादा शेकी हो रही है तो आप गूगल फोटोज़ में जाके उसको एडिट करके स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करके बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी वीडियो, वो भी एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सिनेमैटिक वीडियो बनाने में हमेशा वीडियो स्टेबल होनी चाहिए, तभी अच्छी लगती है देखने में। और हमेशा लो लाइट, मतलब जो शाम का समय होता है या बहुत सुबह का समय होता है वो परफेक्ट होता है सिनेमैटिकली। बहुत ज़्यादा धूप में बहुत ज़्यादा शेडोज़ आती हैं, जैसे अभी अगर मैं शूट करूँगा तो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी सिनेमैटिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेडो आएगी हर चीज़ की जो वीडियो ख़राब करेगी। इसी के साथ साथ अगर आप मेरी सिनेमैटिक वीडियो देखोगे तो ऊपर बार्स होते हैं ब्लैक कलर के और नीचे बार होता है स्क्रीन में, अगर वो नहीं होता है तो वीडियो सिनेमैटिक नहीं मानी जाती है, क्योंकि बार्स होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो देखने में अच्छा लुक देते हैं वीडियो को। तो बार्स भी आप एडिटिंग के समय ऐड कर सकते हो। ट्रैफिक के बीच मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ये देखो रोड भी खुदी पड़ी है, अरे सॉरी, यही कहना चाहूँगा कि हैप्पी होली इन एडवांस, अच्छे से होली खेलिएगा, और ये सड़क में सांप बना के गाड़ी ना चलाइएगा, ठुके पीटे कहीं पड़े हो गए आप तो ऐसा ना करिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बाय बाय।